बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकील के खाने में हमारी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने लगे हैं बीफ नली। ये भी ईद स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि कुर्बानी पे नलियां भी बहुत सारी आती हैं। तो इनको बनाने का क्या तरीका है आज हम आपसे शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे पास ये कुछ नलियां मौजूद हैं, 6 अदद नलियां हैं हमारे पास। इनको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में, और साथ ही हमारे पास ये कुछ गोश्त है, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नलियों में ही शुमार होती हैं। अभी हमने ये करना है कि इसमें 1 लीटर पानी शामिल करना है, और 1 चम्मच नमक हम शामिल करेंगे। 1 अदद कटा हुआ प्याज, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही हम डालेंगे, प्याज और नमक। अब प्रेशर का कवर लगाएंगे। अब प्रेशर कुकर को रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और विसल चलने के बाद हम इसको 1 घंटा देंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 1 घंटा विसल चलते हुए हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे, और अब हमने ये करना है कि कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और इसमें डालेंगे 150 ग्राम कुकिंग ऑयल, 2 अदद प्याज डालेंगे कटे हुए, 2 अदद टमाटर कटे हुए ये डालेंगे। जब प्याज मुकम्मल ब्राउन हो जाए तब हम इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें ये शामिल करेंगे। 3 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें ये शामिल करेंगे। ये जो प्याज हैं इनको हमने मुकम्मल ब्राउन करना है, और इनको हार्ड तड़का जो है ये लगाना है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि नलियां जो हैं ये तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम ये तमाम नलियां जो हैं इनको शामिल करेंगे इस तड़के में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, कुर्बानी की लाजवाब रेसिपी। ये यखनी भी सारी इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह क्या बात है, ये देखें इसके अंदर जो गोश्त था ये मुकम्मल तौर पर पक चुका है। इसकी आप ये कंडीशन देख सकते हैं। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जो हैं ये भी शामिल कर देंगे। माशाल्लाह हमारी नलियां जो हैं ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इनको उतार लेंगे। अब हम ये करेंगे, तमाम नलियां जो हैं इनको अच्छी तरह साफ कर लेंगे। माशाल्लाह, ये तमाम नलियां जो हैं इनमें से हमने सारा गोदा जो है, या पंजाबी में इसको हम मिख बोलते हैं, ये हमने निकाल ली है। माशाल्लाह पापा जी, कितना जबरदस्त बना। जी बेटा, अभी टेस्ट करके भी हम अपने प्यारे व्यूवर्स जो हैं, लाडले व्यूवर्स, उनको बताएंगे कि ये कैसा बना है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते। माशाल्लाह, माशाल्लाह ये देखें।
माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त टेस्ट। आहा बहुत ही शानदार, जबरदस्त। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए।